राजघाट पुलिस ने अवैध शस्त्र के साथ एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में राजघाट थाना प्रभारी एसके मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को राजघाट पुल के नीचे बैकुंठ धाम घाट से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अनिल चौहान पुत्र स्वर्गीय परखन चौहान निवासी जवाहिरचक नौसड़ थाना गीडा जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से एक देसी तमंचा एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। राजघाट थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में राजघाट थाना प्रभारी एसके मिश्रा, उप निरीक्षक अनुप कुमार मिश्रा, कांस्टेबल मंगलदीप, देवेंद्र यादव, अशोक यादव शामिल रहे।